ब्रिटेन की प्रेस एसोसिएशन ने रविवार को एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2017 में 160 बार संसद के कंप्यूटरों में पॉर्न साइटें देखी गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश संसद भवन की, जहां की हालिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि 160 बार संसद भवन के कंप्यूटरों में अश्लील साइटें खोलने की कोशिश की गई है। पिछले साल जून में हुए आम चुनाव के बाद संसदीय नेटवर्क से जुड़े उपकरणों से 24,473 बार पॉर्न वेबसाइट खोलने की रिपोर्ट सामने आई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे वेस्टमिंस्टर में यौन कदाचार के आरोपों से जूझ रही है। थेरेसा मे पिछले महीने अपने पुराने दोस्त और मंत्री डेमियन ग्रीक को बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि 2008 में वेस्टमिंस्टर दफ्तर के उनके कंप्यूटरों में अश्लील सामग्री मिलने के दावों को लेकर उन्होंने पुलिस को गुमराह किया था। सांसद, उच्च सदन के सदस्य और उनका स्टाफ संसदीय परिसर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि पॉर्न साइट्स खोलने की ज्यादातर कोशिशें जानबूझकर नहीं की गई है और हाल के वर्षों में इसमें काफी गिरावट आई है। वहीं संसदीय प्रवक्ता ने पीए को बताया कि संसद के कंप्यूटर नेटवर्क पर सभी अश्लील वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आंकड़ों में उन पर्सनल डिवाइसेस का भी डेटा अब शामिल है जिन्होंने संसद के गेस्ट हाउस में लगे वाईफाई पर लॉगिन किया था। वायरल कीड़ा न्यूज़।